हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीएसटी इनवॉइस सैंपल। अभी सभी लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है और हम इनवॉइस कैसे मेंटेन करेंगे ताकि हम अपने इनवॉइस को किसी को दे सकें या फिर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपलोड कर सकें। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि प्रॉपर इनवॉइस कैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ टैक्स इनवॉइस के बारे में। टैक्स इनवॉइस आपको इस टाइप से बनाना है। सबसे पहले सप्लायर नेम, डिटेल ऑफ रिसीवर, डिटेल ऑफ कंसाइनी, इसका पूरा डिटेल आपको भरना है, लाइक एड्रेस, स्टेट, जीएसटीएन नंबर, सभी का जीएसटीएन नंबर आपको चाहिए। यहाँ पे सीरियल नंबर के साथ प्रोडक्ट का डिटेल, क्वांटिटी, यूनिट रेट, टोटल डिस्काउंट, टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, लाइक CGST, SGST और IGST। CGST अगर हम अपना बिजनेस स्टेट के अंदर कर रहे हैं तो हमें CGST देना होगा। SGST हम स्टेट के बाहर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम SGST देंगे। अगर इंटरनेशनल बिजनेस है तो हम IGST में फिल करेंगे। इसमें सिग्नेचर, ऑथोराइज पर्सन अपना सिग्नेचर कर सकता है। टोटल इनवॉइस का वर्ड में हमें यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे नोट्स में डिटेल दिए गए हैं जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इनवॉइस 16 डिजिट या कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहाँ से आप कोड निकाल सकते हैं उसका भी लिंक दिया हुआ है। इसको क्लिक करेंगे, रेट ऑफ गुड के बारे में जान सकते हैं, रेट ऑफ सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं, स्टेट कोड भी जान सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है। आप किसी भी स्टेट के हैं या आप किसी भी स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको स्टेट कोड के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जीएसटी नंबर मस्ट बी 15 डिजिट या 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पैन नंबर, प्रोडक्ट डिटेल को मिला के एक जीएसटी नंबर बनता है। सिग्नेचर कैन बी मैनुअल और डिजिटली सेंड। इसमें सिग्नेचर कुछ भी हो सकता है, डिजिटल भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रिसिप्ट वाउचर इस टाइप से बनेगा। यहाँ रिसिप्ट वाउचर लिखिएगा और सप्लायर नेम, डिटेल ऑफ रिसीवर, ये दोनों मेंटेन होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल। रिफंड वाउचर भी सेम इसी तरीके से बनेगा, यहाँ पे उसका पूरा डिटेल भरा जाएगा। यहाँ पे नोट आप देख सकते हैं, जीएसटी नंबर, सिग्नेचर कैन मैनुअल, ये सभी आप ध्यान से देख सकते हैं। रिवाइज टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आप ये देख सकते हैं, ये इस टाइप से मेंटेन होगा। इस सैम्पल इनवॉइस का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जिसको आप क्लिक करके ये इनवॉइस का सैम्पल आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने CA से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।